नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं ड्रॉइड चैनल। आप सबका स्वागत है दोस्तों। फिर से एक बार आ चुका हूँ गर्मा गर्म और ताजा टेक न्यूज लेके, ताकि आपको मिल पाए टेक दुनिया के बारे में सारी की सारी जानकारी। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं इसी बात पे आज का डेली टेक तड़का और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों आज शुरुआत करेंगे रियलमी से। जी हाँ, यहाँ पे फाइनली रियलमी, जैसे टीजर किया था कि आज वो लॉन्च करने वाले इंडियन मार्केट पे अपना रियलमी 6i को, फाइनली वो फोन जो है वो लॉन्च हो चुका है। उसका सारा डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मैं जानकारी दे दूंगा। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके डिस्प्ले से। जी हाँ, यहाँ पे 6.5 इंच का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलने वाला है फुल एचडी प्लस का। साथ ही साथ में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो मिलने वाला है। इसका मतलब गेमर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि रिफ्रेश रेट का फोन जो है आ चुका है रियलमी की तरफ से फिर से एक बार। और साथ ही साथ में यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो भी काफी गेमर फ्रेंडली है। आपको यहाँ पे मीडियाटेक का G90T का प्रोसेसर जो यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसको देख के भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रैम और रोम की बात करें तो आपको यहाँ पे 6GB और 4GB के दो वेरियंट भी ये फोन जो है वो मिल जाएंगे। 64GB ऑनबोर्ड मेमोरी आपको मिलेगा, साथ ही साथ में आपको एक्सपेंडेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 4300mAh का बैटरी है, 30W का चार्जर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो 4600 का प्राइसिंग है 12999, और आपको यहाँ पे 6GB 64GB का जो वेरिएंट है उसमें आपको 14999 खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है इसका प्राइस, आप मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ में आपको इसका हैंड्स ऑन भी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इसका कैमरा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे आपको 48822 का क्वाड कैमरा सेटअप रियर में मिलेगा। साथ ही साथ में फ्रंट में आपको सिंगल पंच होल के अंदर 16MP का कैमरा जो है वो मिलने वाला है। तो देखते हैं एग्जैक्टली कितना रंग ला पाता है ये फोन, और हेल्प करता है रियलमी को अपना मार्केट शेयर जो है इंडिया में और इंक्रीज करने के लिए। जो भी आएगा इन्फॉर्मेशन मैं जरूर शेयर करूंगा अपने फ्यूचर के एपिसोड में। तब तक के लिए चलते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों बने रहते हैं अपने अगले न्यूज में भी रियलमी पे ही। जी हाँ, यहाँ पे रियलमी C11 के लॉन्च के बाद हम लोगों ने सोचा था कि कुछ दिन के लिए शायद यहाँ पे रियलमी शांत रहेगा, लेकिन नहीं, ऑलरेडी रूमर्स आना शुरू हो चुका है रियलमी का नेक्स्ट सी सीरीज का फोन रियलमी C15 के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे रियलमी C15 के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आ चुके हैं। उसको देखकर तो लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया एक इंट्री लेवल का फोन जो ये होने वाला है। इसमें आपको 6.5 इंच का HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलने वाला है IPS डिस्प्ले के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो जो C11 में था G35 सेम प्रोसेसर यहाँ पे भी यूज हो रहा है। 3GB और 4GB के रैम वेरिएंट में ये फोन मिलेगा। ऑनबोर्ड मेमोरी आपको यहाँ पे 64GB मिलने वाला है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 6000mAh की, जी हाँ, 6000mAh की मैसिव बैटरी अलॉन्ग विद 18W चार्जर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखते हैं एग्जैक्टली कितना रंग लाता है और कौन से प्राइस पॉइंट पे ये फोन जो है इंडिया में लॉन्च करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा अपने फ्यूचर के एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले जल्दी से इसका कैमरा जान लेते हैं। इसमें आपको 13822 का क्वाड कैमरा सेटअप रियर में आपको मिलेगा, जिसमें आपको स्क्वायर शेप का कैमरा जो है मॉड्यूल पहली बार रियलमी के फोन में दिखेंगे। साथ ही साथ में आपको फ्रंट में आपको सिंगल पंच होल के अंदर यहाँ पे 16MP कैमरा जो है वो मिलने वाला है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या प्राइस पे आता है और इंडिया में ये कब लॉन्च होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको जरूर शेयर करूंगा अपने फ्यूचर के एपिसोड्स में। चलिए फिलहाल तो चलते हैं अपने अगले न्यूज़ के ऊपर। और दोस्तों पैंडेमिक के चलते हुए बहुत सारे ब्रांड का हालत तो खराब है, लेकिन एटलीस्ट एक ब्रांड का हम लोग बोल सकते हैं उसका जो है 2020 बहुत ही बढ़िया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीडियाटेक का। दिया एक के बाद एक डायमेंसिटी के प्रोसेसर वो लॉन्च किए जा रहे हैं, और काफी ज्यादा मिड रेंज के चाइनीज जो ब्रांड्स है वो पसंद कर रहे हैं इस प्रोसेसर को, क्योंकि कम रेंज में आपको 5G प्रोसेसर जो है वो डायमेंसिटी 800 और 1000 और 1000 प्लस में हम लोग को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर डायमेंसिटी ने और एक नया सीरीज जो है जुड़ चुका है 720 के नाम से, और ऑलरेडी खबरें ये आ रही है ताइवान के एक न्यूज एजेंसी से कि यहाँ पे ओप्पो हुआवे और Xiaomi ऑलरेडी यहाँ पे जो है लाइनअप लगा चुके हैं इसको खरीदने के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन से फोन में ओप्पो के, Xiaomi के और हुआवे के ये प्रोसेसर आ सकता है? इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन से मॉडल पे ये प्रोसेसर जो है डायमेंसिटी का आने वाला है, लेकिन 720 हम लोगों को बहुत ही जल्द इन तीनों ब्रांड्स के फोन में दिखने वाला है। देखते हैं एग्जैक्टली कौन सबसे पहले इसको लॉन्च करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको जरूर शेयर करूंगा अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर के अकाउंट पे। आपको नीचे उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, उसमें भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको हर घंटे में टेक दुनिया के बारे में जानकारी देता रहता हूं। चलिए आगे बढ़ते अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों अपना अगला न्यूज आ रहा है एमेजफिट की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पे एमेजफिट बहुत जल्द यानी 6 अगस्त को जब प्राइम डे शुरू होगा अमेजन का, उस टाइम पे अनवील करने वाला है अपना PowerBuds TWS को। जी हाँ, यहाँ पे जो टीजर ऑलरेडी हनी सिंह जो लीड करते हैं एमेजफिट इंडिया को,
उन्होंने एक ट्विटर पे डिटेल्स जो है सारा दे दिया है, आपको नीचे उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे कल आपको मिल जाएगा, तो मेक श्योर कीजिए आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। सारे के सारे डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन खासियत ये है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एयर क्लिप एक एडिशनली मिल जाएगा TWS के साथ। तो अगर आप जिम के टाइम पे इसको यूज करना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर इसको यूज कर सकते हैं, गिरने का कोई चांस इसमें नहीं है। साथ ही साथ में आपको IP55 का रेटिंग और यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर जो है आपके TWS से ही मॉनिटर हो जाएगा, ये भी काफी यूनिक है। इसके बारे में फुल डिटेल जो है आपको कल के वीडियो में मैं दे दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल के चलते अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों अपना आखिरी न्यूज फिर से एक बार आ रहा है रियलमी की तरफ से, जहां यहाँ पे रियलमी सुर्खियों में है इन दिनों, लेकिन यहाँ पे और एक नया टीजर जो है कल रियलमी ने दिया था अपने चाइनीज वीवो अकाउंट पे और वीचैट पे। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रियलमी के नया एक सीरीज वी सीरीज का, जो शायद चाइना में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अपडेट जो है ऑलरेडी बाहर आ चुका है, 27 जुलाई को ये चाइना में लॉन्च होगा। इंडिया का एक्सपेक्टेशन अभी तक नहीं आया है, माधव स्टेट के लिए हम लोग वेट करेंगे कि टीजर वो कब दे अपना ट्विटर अकाउंट पर कि कब ये लॉन्च होगा इंडिया में। स्पेसिफिकेशन जो है अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन दो नए फोन टेना में जा चुके हैं जिसमें मॉडल नंबर हम लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी और स्पेसिफिकेशन उसका हम लोगों को मिल चुका है। RMX 2111 और RMX 2112 ये दो फोन जो है बहुत जल्द रियलमी लॉन्च करने वाला है। हो सकता है कि ये वी सीरीज का ही फोन हो। स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से, आपको यहाँ पे 6.5 इंच का फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा, IPS डिस्प्ले। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेंगे। बैक में आपको 48822 का क्वाड कैमरा सेटअप, सिंगल कंट्रोल में सामने आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 4900mAh का बैटरी, 30 वाट का आपको यहाँ पे डार्ट चार्जर भी यहाँ पे इनबॉक्सिंग मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो आपके यहाँ पे 2GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो है टेना में लिस्टिंग हुआ है। इसको देखिए ये लग रहा है कि यहाँ पे शायद डायमेंसिटी 800 या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 720G का प्रोसेसर जो है वो हो सकता है। एग्जैक्टली कौन सा होगा फिलहाल तो नहीं पता है, इवन वो वी सीरीज के ही फोन है वो भी हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन 27 जुलाई को हम लोगों को पूरा खुलासा ये हो जाएगा। उस दिन आपको डेडिकेटेडली उसके स्पेसिफिकेशन को लेकर एक वीडियो मैं दे दूंगा। चलिए मेक श्योर कीजिए आप नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है बराबर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इसी बात पे खत्म करेंगे आज का डेली टेक का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले स्क्रीन के ऊपर की इस वीडियो को देखना मत भूलिए, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है टेक दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी। मैं मिलता हूँ आपको उस वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।